नमस्कार जैन, कैसे आप लोग? गाइस आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के यूट्यूब चैनल में, और हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लेयर सबके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करते फोर्थ टी20 न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान। तो पहले दोनों मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था और 5 मैच की सीरीज जीत ली। अब फोर्थ मैच में 19 जनवरी को होना है। पाकिस्तान के लिए यह सीरीज बहुत बुरा रहा। अब बात करते हैं फोर्थ टी20 की, जो कि 19 जनवरी को हगली ओवल में क्रिस्टचर्च में खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात किया जाए गाइस, तो वेदर एक ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा। रेन चांस 42% है और ह्यूमिडिटी 41% है। टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात किया जाए तो विनिंग परसेंटेज की ओर देखें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज 44% है, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज 56% है। तो देखा जाए गाइस तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट बॉलिंग का परसेंटेज ज़्यादा है। बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है। बात करते हैं दोनों टीम की हेड टू हेड टोटल मैच 37 हुए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड का हुआ है 60 और पाकिस्तान का हुआ है 20। न्यूजीलैंड और एनालिसिस की बात करें गाइस तो टीम इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। अब तो और बताइए, तक अब तक तीनों मैच में पाकिस्तान को आसानी से हार मिला है और ओपनिंग में फिन एलन एंड कॉनवे को जोड़ी हिट चल रही है। फिन तो इस वक्त तहलका मचा रहे हैं और लास्ट गेम में उन्होंने 137 रन की इनिंग खेली है, जिसमें 16 छक्के लगाए और अब तक तीन मैच में 245 रन बनाए। और केन विलियमसन चोटिल होने के लिए चलते बाहर हो गए और टीम को लीड मिचेल सेंटर कर रहे हैं। और टीम का मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है और जिसमें से गिलेन फिलिप्स और एंट और डेरिल मिसेल हैं। विकेट कीपिंग में टीम सैफर्ड है, जिसमें फिनिशिंग के लिए टीम चैम्पियन पर डिपेंड होगी। बॉलिंग यूनिट के में बॉलिंग यूनिट में टीम एक होकर परफॉर्मेंस कर रही है। टीम सौथी ने अब तक दोनों मैच में सबसे ज़्यादा 8 विकेट लिए हैं और टीम ब्रेक थ्रू के लिए मैट हेनरी एंड लेकी फर्गोसन से एक्सपेक्ट कर रही है। और एक्सपीरियंस प्लेयर इस शोधी एंड सेंटर स्पिन बॉलर्स होंगे। न्यूजीलैंड प्रेडिक्शन के प्लेइंग गाड़ी की बात करें तो गाइस फिन एलन, डेवॉन कॉनवे टीम और सैफर्ड, ग्लिन फिलिप्स, डार्ली मिचेल, मार्क चैंपमैन, इस शोधी और टीम सोती, मार्ट हेनरी, सेंटर फर्गुसन। बात करें की प्लेयर्स की तो फिन एलन जो कि 3 की इनिंग खेली है, इनका रन 245 है, इनका एवरेज स्कोर 81 है। डार्ली मिचेल की बात करें जो कि लास्ट में उन्होंने 3 का इनिंग खेला है, उन्होंने इनका रन 86 है, इनका एवरेज स्कोर 27 है। टीम सौथी की बात करें जिन्होंने 3 का इनिंग खेले हैं, इनका विकेट इन्होंने लिया है 8 और इनका इकोनॉमी 6.2 है। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान शॉट एनालिसिस की, तो टीम के स्टार्ट खराब रही है। टीम दोनों मैच हार गई है। टीम की कप्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी दी गई है और लेकिन पहले ही एग्जाम में अब तक वो फेल दिखे हैं। टीम मैनेजमेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूती प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। और बैटिंग यूनिट में टीम रन बनाने के लिए ओपनर बैटिंग मोहम्मद रिजवान, सोइम और यूबी दोनों ने लास्ट में फ्लॉप थे। और टीम के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है पूर्व कप्तान बाबर आजम और फॉर्म में आना। उन्होंने कम बैक करते हुए तीनों मैच में 50+ रन की इनिंग खेली है और खबर जमा नंबर 4 पर खेले गए हैं, लेकिन टीम को नहीं जिता पाए और इफ्तिकार अहमद पर मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी है। विकेट कीपिंग में आजम खान अब तक सुपर फ्लॉप हैं। और बॉलिंग यूनिट में बात कर रही तो बॉलिंग यूनिट में टीम फेल चल रही है। हर मैच में टीम खूब ये कर रही है कॉन्सन और शाहिदीर शाह अफरीदी, हारिश अरौफ लीड करेंगे और हारिश अरौफ ने सबसे ज़्यादा 7 विकेट लिए हैं अब तक, लेकिन रन बहुत दे पाए हैं। और अमीर जमील एंड अब्बास अफरीदी लास्ट मैच में ड्रॉप थे, उनके जगह मोहम्मद वासिम एंड जमान खान का टीम में थे। और पाकिस्तान प्रोडक्शन प्लेइंग 11 की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि कैप्टन है, मोहम्मद रिजवान जो कि वाइस कैप्टन है और विकेट कीपर भी हैं, फ़खर जमान, सैम अयूब, बाबर आजम, इफ्तिकार अहमद, आजम खान और मोहम्मद वासिम, जमान खान और हरीश रौफ, मोहम्मद नवाज। की प्लेयर्स की बात करें तो बाबर आजम जो कि 3 के इनिंग खेले हैं, इनका रन 182 है, इनका एवरेज स्कोर 60 है। और फ़खर अजाज़ा ये जबान की बात करें जो कि 3 के इनिंग खेले हैं, इन्होंने रन बनाए 84, इनका एवरेज स्कोर 28 है। हरीश रौफ की बात करें जिन्होंने 3 का इनिंग खेले हैं, इन्होंने विकेट 7 लिए हैं, इनका इकोनॉमी 8.5 है।